हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप दोस्त जानते हैं आजकल हैदराबाद में यहाँ पे थीम रेस्टोरेंट बहुत चल रही है। यहाँ पे पहले भी हम लोग आपको ट्रेंड रेस्टोरेंट, प्लेटफॉर्म 65 और रॉबर्ट रेस्टोरेंट लेके गए थे। और हमने जब ट्रेंड रेस्टोरेंट पे गए थे, वहाँ पे ट्रेन जैसे आता है, वहाँ का ट्रेन का साउंड आता है, आवाज़ आता है, खाना जब सर्व होता है ट्रेन पे खाना आता है। लेकिन आज पहली बार हमको एक और नया एक्सपीरियंस लेने के लिए और आपके साथ शेयर करने वाला हम आया हूँ। ये है घास्ट मंदिर है, और यहाँ पे तो कैसा है घोस्ट का फीलिंग कुछ है? और जैसे ट्रेन रेस्टोरेंट में ट्रेन का आवाज़ आता है, यहाँ पे सच में घोस्ट का कुछ इन्फ्लुएंस है? और खाना कैसे देते हैं और कैसे सर्व करते हैं? चलिए हमारे साथ, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये घोस्ट मंडी का बैठने का प्लेस है ये, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सूप दिया है यहाँ पे। ये देखिए मटन सूप है, ये एक नया एक्सपीरियंस है, पहली बार हम लोग गए हैं यहाँ पे। ये मटन सूप है, ये मटन तवा का सूप है, जबरदस्त है। हम स्टार्टर में लॉलीपॉप लिया था यहाँ, लेकिन ये टेस्ट इतना खास नहीं है। देखिए दोस्तों, हम आया है ये घास्ट मंडी पे, और ये यहाँ का जो चिकन फ्राई मंडी है, ये दो पीसेस इसे ड्राई पीसेस दिया है, फ्राई पीसेस है इसमें, इसका साथ है ये रायता दिया है, और ये एक सूप है ये, और इसका साथ मेयोनीज है, और ये चुचुमर है, गाजर है, इसका साथ ये बिरयानी राइस है, मंडी राइस है, देख सकते हैं आप। ये जो ड्राई पीसेस देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रही है, एकदम ड्राई है फ्राई पीसेस है। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे है फ्राई पीसेस है। देखिए एकदम अच्छा है, पर अच्छा पका हुआ है। ओनली 470 रुपीज है ये, देखिए कितना है इसका साथ। राइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, देखिए देखिए ये राइस का साथ ये काजू पीस, काजू भी दिया हुआ है, किशमिश भी है। ये थोड़ा बिरयानी से अलग है, अलग टेस्ट लग रहा है इसका। और ये आप लोग भी आइए यहाँ पर, एंजॉय कीजिए। देखिए इतना बड़ा बड़ा पीस है, ओनली 470 रुपीज है। अच्छा है, जबरदस्त टेस्ट है, देखने के लिए अच्छा है। प्लस यहाँ पर यहाँ का जो मंडी है ये मस्त फ्राई है, आप ट्राई कर सकते हैं, एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ। ये तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है, देखिए चिकन का भी एकदम फ्राई पीसेस है, अच्छा पका हुआ है।
दोस्तों ये एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ का साउंड इफेक्ट कुछ नहीं है। जैसे ट्रेन के ट्रेन रेस्टोरेंट में जैसे ट्रेन का आवाज़ आता है, बैक साइड में कुछ ये रहता है, यहाँ पे कुछ है दो चार पुतला ऐसा रखा हुआ है सामने, लेकिन यहाँ पे ऐसा घोस्ट का कुछ ऐसा साउंड नहीं है, इफेक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल अजीजल ऐसा रहता है। दोस्तों ये घोस्ट मंडी का ये एक नया एक्सपीरियंस है, आप वन टाइम ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमको तो अच्छा लगा, कभी आप लोग भी यहाँ पे आइए। ये घोस्ट मंडी का रिव्यू अगर अच्छा लगा, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.